नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें श्री शंकर श्रृंगार समिति द्वारा 39वां वार्षिक महाशिवरात्रि महोत्सव 11 मार्च को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व भोलेश्वर धाम घंटाघर स्वरूप नगर मंदिर प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर के प्रबंधक व कार्यक्रम संयोजक कमल शुक्ल बेबी पार्षद ने क्या कहा, आइए सुने। परंपरागत इस बार भी 39वां साल है महाशिवरात्रि जो मनाया जा रहा है। कोरोना काल में थोड़ी शासन की गाइडलाइनें भी हैं, उनका भी निर्वहन करेंगे, पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क आदि जो है जो बताई गई है उनका भी पालन किया जाएगा। सबसे खास बात है जो मुख्य आकर्षण है यहाँ का भव्य सजावट, और 12 ज्योतिर्लिंगों को मैंने जोड़ा है इस भोले सारू धाम मंदिर में, और दुनिया का सुप्रसिद्ध भजन गायक रघुवीर सिंह लक्का साहब यहाँ पर आए और 3 घंटे बाबा को के भक्तों को भजन सुनाए। ये भोलेमय हो जाएगा, पूरा स्वरूप नगर तिलक नगर जितना भी है ये भोलेमय करने का प्रयास करूँगा। सारे नगरवासियों से और अपने संस्था के लोगों से उनका विशेष आभारी, जो हम लोग एक दूसरे के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हो रहा है उनका विशेष आभारी हूँ। और बीच बीच में 103 आवाज जिनको अवार्ड मिल चुका है, वीआईपी मतलब बहुत अच्छा, बीच बीच में गुदगुदाएंगे हंसाएंगे। देवानंद वो एक्टर है, लेकिन जूनियर देवानंद वो भक्ति की के गीत से ही शुरुआत करेगा, क्योंकि हम इस मंच के माध्यम से, इस दरबार के माध्यम से कोरोना को भगाना चाहता हूँ, और उस मंच से भजन के माध्यम से कि हमारा कानपुर सकुशल रहे, अच्छा रहे और कोरोना लाखों मील दूर चला जाए। इसलिए मैं इस बार शिवरात्रि का उत्सव भजन संध्या के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है, और बड़े खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कपिल शर्मा से लेकर के जानी लीवर से लेकर के जितने भी 108 लोग आ चुके हैं अब तक 48 साल। लास्ट ईयर मैंने अनूप जलोटा को बुलाया था, मैंने राजपाल यादव को बुलाया था, अनवर को बुलाया था, बच्चों के लिए रईसों के लिए बुलाया, अरे वो मैंने आपको दे दिया है उसमें ठीक। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।